हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ चैनल पर। और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से पदों में वृद्धि की मांग और दीति काउंसलिंग की मांग की जा रही है, और निश्चित रूप से जो प्रयास रहा है सभी का, वह एक सकारात्मक दिशा में जा रहा है। और बहुत जल्द DPI द्वितीय काउंसलिंग करेगा पद वृद्धि के साथ में, और उसके कुछ समय बाद ही ट्राइबल डिपार्टमेंट भी पदों की वृद्धि के साथ में द्वितीय काउंसलिंग जरूर करेगा। अब दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि DPI की अपेक्षा ट्राइबल डिपार्टमेंट में पदों की संख्या अधिक खाली है, तो निश्चित रूप से दोस्तों DPI की अपेक्षा ट्राइबल डिपार्टमेंट में ही वर्ग 1 और 2 के पदों की संख्या बहुत अधिक आने की निश्चित रूप से दोस्तों संभावना है। और संभावना ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से ये पद अधिक संख्या में आएंगे। इसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों, तो ममता निगम जी, यदि हम जो बेरोजगार संघ हैं उनकी महिला अध्यक्ष की बात करें, तो उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। अभी हाल ही में जो आंदोलन किया गया था, इंदौर में आंदोलन हुआ था, उसमें भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका अदा की थी, जैसा कि आप ये वीडियो क्लिप के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। अभी हाल ही में दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित कुछ छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों के लिए मुख्यमंत्री जी को, गवर्नमेंट को पत्र लिखा गया है। और इस पत्र में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, किस प्रकार से जो पदों की संख्या कम आई है उन पदों में 3,000 सभी विषय के पद बढ़ाने की मांग की जा रही है, और अभी हाल ही में पत्र भी लिखा है, और भी कई छोटे छोटे मुद्दे हैं, वह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों देखें, आप जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग में बिल्कुल हेडलाइन है कि जो अभ्यर्थी अगली परीक्षा के लिए उम्रदराज यानी कि जो ओवरएज हो चुके हैं उन पर अधिक ध्यान दे सरकार, और द्वितीय काउंसलिंग से पूर्व उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सरकार को लिखा पत्र। आइए थोड़ा सा हम इंटरनल चलते हैं, हालांकि सभी को मालूम है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इसमें नए हो सकते हैं। तो आप देखें कि 3 साल पूर्व संपन्न शिक्षक भर्ती परीक्षा के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्ति में मौका देने के लिए सरकार दूसरी काउंसलिंग करवाने जा रही है। दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थियों का दर्द सामने आया है। उनका कहना है कि जो अभ्यर्थी उम्र दराज हो चुके हैं, जिन महिला उम्मीदवारों के पति दिवंगत हो चुके हैं, उनका ध्यान रखना होगा, उसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। तो दोस्तों अभी ये जो मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा यही है। और आप देखें कि मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ की महिला अध्यक्ष ममता निगम का कहना है कि वर्ष 2018 में MPTET वर्ग 1 और 2 के 30,000 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, जैसा कि हम सब जानते हैं। और ये परीक्षा 8 साल बाद हुई थी, वर्ष 2023 आने वाला है, और जैसा कि हम सब जानते हैं 2023 में फिर से नई पात्रता परीक्षा की बात की जा रही है, पत्र भी लिखा गया है। कम से कम 12 वर्ष का संघर्ष एक अभ्यर्थी ने किया है, इन अभ्यर्थियों में बहुत से ओवरएज हो गए हैं, अब ये आगामी परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, उर्दू और हिंदी की यदि हम बात करें तो 150, 60 और 18 पद ही आए हैं, जबकि 87,000 पद अभी भी रिक्त हैं। अब यहाँ पर यदि हम दोस्तों इन नेग्लेक्टेड विषयों की बात करें, तो हिंदी, सोशल साइंस, विज्ञान, उर्दू, इन विषयों को शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग जो पद देंगे, तो उन पदों पर सर्वप्रथम जो अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं, अब वे आगामी परीक्षा में पात्र नहीं हैं। जो महिला अभ्यर्थी परित्यक्ता, विधवा और EWS में आती हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उन्होंने 2018 में कड़ी मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है, और अब ये आगामी परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा और सेंसिटिव मुद्दा और यहाँ पर उठाया गया है ममता निगम जी द्वारा। वर्ष 2011 के बाद शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 12 वर्ष की देरी होने से एक अभ्यर्थी के जीवन के जो काफ़ी समय है वो खराब हुआ है। इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग यानी कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ओवरएज हो चुके ऐसी महिला अभ्यर्थियों को भर्ती करे, और ममता निगम के अनुसार चाहे उनके पासिंग मार्क 75 ही क्यों ना हो, इसके बाद ही द्वितीय काउंसलिंग में शिक्षा और जनजाति विभाग की संयुक्त काउंसलिंग हो। जिन अभ्यर्थियों का दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि प्रथम काउंसलिंग में चयन हो गया है और प्रतीक्षा सूची में जिनके नाम आ चुके हैं, उनके दोबारा नाम द्वितीय काउंसलिंग में रिपीट ना हो, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को जो कि 4 वर्ष से अपनी जॉब का इंतजार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 2018 के बाद में अभ्यर्थी पूरी हुई है और अभी भी पूरी नहीं हुई है, शेष है, जॉब का इंतजार कर रहे हैं, उनका नंबर आ सके और किसी भी अभ्यर्थी का भविष्य अंधकार में जाने से बच सके। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार जो ममता निगम है और जो उनकी टीम है, उनके द्वारा ये जो संयुक्त प्रयास किया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को इससे जुड़ना चाहिए।
और जल्द से जल्द डी काउंसलिंग स्टार्ट हो और पदों की जो असमानता आई है उस असमानता को दूर करके 3,000 सभी विषयों में पदों की वृद्धि हो। और आगे सभी के लिए शुभकामनाएं और आज का दिन शुभ हो। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों और अधिक से अधिक प्रसारित करने का प्रयास करें, शेयर करने का प्रयास करें। पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।